लेट हो जाएंगे और हमारे पास भी टाइम नहीं है, या तो रोज़ा रास्ते में खुलेगा या फिर घर जाके अब देखते अल्लाह खैर करे क्या होगा, पहला रोज़ा रास्ते में ना खुलेगा। हेलो अस्सलाम वालेकुम, तो कैसे हैं आप लोग, उम्मीद है सब ठीक है, खैरियत से होंगे, फिट पड़ते। चले फिर स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। हाँ जी यार, अभी कुछ सीन जो है वो इस तरह है, माशाल्लाह माशाल्लाह आज है फर्स्ट सहरी और रोज़े बंद होने में तकरीबन 2 से 3 मिनट ही बाकी हैं। तब तक मैंने नाश्ता कर लिया था, नियत करने ही जा रहा था, पहले मैंने कहा कि ब्लॉग स्टार्ट कर लो। और आप सबको अपनी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली को मैं दे दूँ मुबारक, तो आप सबको रमज़ानुल मुबारक की पहली सहरी और रमज़ानुल मुबारक बहुत 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 मुबारक हो। तो इंशाल्लाह इन रमज़ानुल मुबारक के अंदर अल्लाह पाक हमें खूब ढहरो इबादत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह पाक को राज़ी करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो अभी ये है, ऐलान भी हो रहा है, तो रोज़ा बंद होने वाला, नियत करके फिर जो है क्या शेड्यूल है क्या नहीं। और माशाल्लाह आज जो मस्जिद में रश होने वाला है वो देखकर तो दिल से एक अलग ही खुशी, काश ऐसा होता कि जैसा रमज़ान मुबारक में मस्जिदों में रौनकें लगती हैं, काश वैसे ही लगती। तो लेकिन जो भी है, आप सबको दिल तहे दिल से बहुत बहुत मुबारक हो। तो होप आप लोगों ने भी, सबने रोज़े रखे हुए होंगे, अल्लाह पाक आप लोगों के रोज़ों में जो है बरकतें पैदा करें और रोज़ों के अंदर जो है खुलूस पैदा करें, आमीन। तो अभी ये है कि नमाज़ का वक्त होने वाला, रोज़ा ही बंद होने वाला है, तो सहरी कर ली थी, ओके। तो अभी यह है, फटाफट जो है नमाज़ के लिए जाते हैं, बस बंद होने ही वाला है, तो अभी चलते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो हाँ जी यार, फजर की नमाज़ भी जो है अल्लाह के हुक्म से अल्हम्दुलिल्लाह अदा कर ली, और अभी देखें मौसम भी सनराइज़ हो रहा है, उधर से आ रहे हैं बादल, और जो है बहुत दिल तो कर रहा है, मेरे नीचे फ्रेंड्स बैठे हुए हैं, लेकिन मैं खुद नहीं जा रहा क्योंकि रात को भी मैंने सोया, लेकिन अभी थोड़ा आराम करना है, फिर जोहर में उठना भी है यार। अभी दोस्त भी मुझे बुला रहे हैं, लेकिन मैं जाऊंगा नहीं क्योंकि जो है रात को भी जो है मैंने जो है सोया नहीं था मैं, और फिर रात को तरावी पढ़ने के बाद आकर क्रिकेट खेल लिया था, फिर अभी तक सोया नहीं, सहरी करके ही नमाज़ पढ़ कर आ गए, अब जो है सोना है क्योंकि फिर जोहर में उठना भी है, फिर इसलिए बाकी का ब्लॉग जो है जोहर में कंटिन्यू करूँगा। तब तक आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। तो हाँ जी यार, जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था, मैं आगे का ब्लॉग जो कंटिन्यू करूँगा वो करूँगा जोहर के बाद। तो आज जोहर भी हो गई थी और अभी जो है जोहर के काफ़ी देर की बात है, मतलब असर होने वाली है तकरीबन। तो अभी मैंने बुलवा लिया था उस वाले दोस्त का आशान को, मैंने कहा कि भाई क्या कर रहा है, कह रहा है कुछ नहीं, मैंने कहा रोज़ा नहीं लग रहा, कह रहा नहीं, मैंने कहा आज तुझे रोज़ा लगवा कर लाऊँ, तो ऐसी मजाक करो। तो अभी ये है कि घर के लिए सामान लेने जाना, जाहिर है सारी की तैयारियाँ हो रही हैं भाई, तो सामान लेने चलते हैं फिर घर का, जो जो मंगवाया वो लेकर आके फिर आप लोगों से शुगर लगाता हूँ। भूख तो हो रही है, लेकिन आपका इतना मुंह लटका हुआ है, आपको रोज़ा लग रहा है क्या? नहीं बस सो के उठा था, उसने लग रहा है। कब सो कर उठा था? 1 घंटा हो गया। अच्छा, नमाज अदा कर ली? माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अभी फिर ऐसा काम करते हैं, शादी की तैयारी है, यार मेरी जबान तो छाया दिख रहा है, मतलब बोला भी नहीं जा रहा है यार, लेकिन क्या करूँ, हाँ इनसे मोहब्बत इतनी है, लेकिन ये लोग वीडियोज नहीं देखते वो अलग बात है, लेकिन कोई नहीं, हम तो लगे हुए मुस्तकिम रहने में, कामयाबी है, कोई मसला नहीं है यार, अल्लाह पाक देगा। तो अभी ये है, नींद आ रही है आपको बहुत, तो अभी फटाफट शेयर चलने वाली करते, सामान लेकर आए, सोया नहीं था क्या सुबह से? अच्छा, रात के ये लोग आए हुए थे सुबह, जाकिर लोग ना, जाकिर दिल तो कर रहा था नीचे आने का, लेकिन हम लोगों ने रात को क्रिकेट के लिए ढक्कन नहीं हुई, तो मैं बोला था सही। तो अभी ये यार, घर की जो जो अफ्तारी होंगी वो लेकर आ जाए पहले, बैठते अभी अब गया बनेगी ना यार। अच्छा, बस भाई जान, सामान भी ले आए, मेरे मैनेजर के हाथ में सामान है, सामान लेकर ऊपर देकर आते, और मेरी जबान पे ये शायद नज़र आए, छाला हुआ बस बोला भी नहीं जा रहा, और यकीन माने में पूरे रास्ते इसके साथ भी छुप ही रहा, बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन खैर कोई मसला नहीं है। तो अभी ये है, चलते हैं फिर, और आप लोगों को पता नहीं है मैं शायद ये रात में अपलोड करूँ या हो सकता है आज की तारीख में ही, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ना, और ब्लॉग तो देखा करें ना यार आप लोग, इतनी मेहनत से आपका भाई लगा हुआ होता है। चले खैर जो भी है, तो अभी यह चलते हैं, आप लोगों को भी रोज़ा लग रहा होगा, ज़्यादा नहीं खा पाता, चलते हैं फिर।
यार अल्हम्दुलिल्लाह सर भी बढ़कर आ गए, तो अभी जो है यहाँ पर तो बहुत रश है, समोसे लेने जाना था। समोसे अभी जो है जा रहे हैं कहीं कुरंगी साइड पर बादशाही वाली जगह, तो जाकर देखते हैं फिर। असर तो हो गई है मगरिब में, तकरीबन घंटा डेढ़ घंटा ही बाकी है। चलो कोई चलते हैं दोस्तों, में जा रहे हैं। जी आसिफ भाई कहाँ जा रहे हैं? मेरा कहाँ जा रहे हैं हम? नहीं हम जा रहे हैं भाई ना, क्या कहते हैं, कुरंगी एक नंबर जा रहे हैं, क्योंकि यार यहाँ पे तो क्रॉसिंग में बहुत रश है। ये तो रश तो बहुत है। असल में वजह ये है ना कि क्रॉसिंग पे बाजार एक ही बना हुआ है ऐसे, और आबादी चारों तरफ और यहाँ हल्की सी बारिश होती है तो माहौल देखें आप। नहीं ये ऐसा होता नहीं है, ये अभी फिलहाल ऐसा हुआ है। अभी क्रॉसिंग में आप रोक देंगे ना बड़े साफ सुथरे। असल में ये गली में रहने वाले लोगों पर बात है। हकीकत बात है। हाँ अभी आप जैसे हमारा दरवाजा देख रहे शीशा कर खा रहा है शीशा मूवी, आप लोग को फिर मूवी उसी में देख के बना लेते होंगे। नहीं नहीं ऐसा भी ये नईम भाई है, नईम भाई को दिखाएं कैसे रहें जैसा। अब तारी की तैयारी करने जा रहे हैं अभी। ये सही है, तो सही है, रोड पे तफरिया लगवाते हुए जा रहे हो। हाँ ये भाई देख लें इनकी शक्ल पे 12 बज रहे हैं। हाँ सबको रोजा लग रहा है ये देखे माशाल्लाह, रौन के देख रहे हैं आप। अभी बाजार में जाके रौन के दिखा दे कितने रश है। ये तो ये पहले रोजे की है, ये तो आप सोचेंगे 29वां होगा तो पता नहीं क्या होगा। 29वां ये तो है रमजान में आप रोजे के टाइम हमारे क्रॉसिंग पे, अभी रोजा खुलने में भाई कुछ घंटा बाकी है। ऐसा ही है, सही है, आप 20 मिनट बाद इधर बाइक भी ला सकते हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, देख सकते हैं बाइक कितना बढ़ रहा है। ये हमें ब्लॉक कवर करने की वजह से ना सिर्फ एक घंटे पहले जाना पड़ रहा है। हकीकत बात है, मिलना मिलाना कुछ भी नहीं है, खुआरी कुत्ता। ये तो देख रहे हैं आप, आपकी मोहब्बत में खाते ऐसे ही ऐसी बात। गलती हो गई है, पहुँच तो गए थे बादशाही पर लेने, लेकिन जो है पैसे जेब में लेने थे, अब पैसे निकलवाने जा रहे हैं भाई। अब देखते हैं इस पट्टी में आगे जाके कहाँ पर जो है ATM आते हैं, फिर वहाँ से पैसे निकलवाते हैं, फिर जाते हैं दोबारा। यार अभी कुरंगी 2 नंबर पर आया मैं, सारे ATM में तो फुल अल्ट्रा प्रो वाला रश हो रहा था आगे वाले। अभी जो है बैंक अल हबीब पर जो है पैसे निकलवाते हैं, फिर जाकर लेते हैं सामान। भाईजान हम भी बोले यहाँ पर रश क्यों नहीं है, अभी पता चला कि यहाँ पर जो है ATM मशीन का ही डिफॉल्ट आया है। इस तरह ओवर वॉइस लग जाएगी। यार आसानी से जो है हम लोगों ने जो है चीज़ रोल भी ले ली है, असीफ भाई ने तो बहुत कुछ दी है, आपने जो मुझे लेना था मैंने वो ले लिया। अब जब बोल रहा हूँ रोजा लग रहा है तुम्हारा, आप हम जा रहे हैं दुबार रेस्टोरेंट, वहाँ से लेनी है बीफ बिरयानी, फिर लेकर चलते हैं। और रोज़ा खुलने में तकरीबन जो है 15-20 मिनट शायद बाकी है। बिरयानी भी ले ली है, लेकिन जो है मैंने अभी टाइम देखा है तकरीबन 15 मिनट है रोज़ा खुलने में, तकरीबन जिसमें से 12 मिनट का तो खाली सफ़र है घर तक का। 10 मिनट रह गए। चलो यार हमारे साथ है आसिफ भाई, हमने उन्हें भेज दिया क्योंकि उन्होंने जाना है अल्लाह वाला टाउन, वैसे ही लेट हो जाएंगे और हमारे पास भी टाइम नहीं है, या तो रोज़ा रास्ते में खुलेगा या फिर घर जाके अब देखते अल्लाह खैर करे क्या होगा। पहला रोज़ा रास्ते में ना खुलेगा, बचत हो जाए बस। पहुँच जाए। हाँ जी भाई कश्मकश में जब मैं घर पहुँचा तो इधर रवि में घर पहुंचा ही था और एक मिनट बाद जो है अलार्म बज गया था, मतलब मैं 1-2 मिनट पहले ही दरवाजे पर था। अल्लाह का शुक्र है कि लेट नहीं हुआ, रोज़ा खोल लिया फैमिली के साथ। और दूसरी बात ये कि अभी जो है ईशा की नमाज़ पढ़ के तरावी पढ़कर आ गया था, लेकिन ज़बान पर जो छाला है उसकी वजह से जो है ज़्यादा बोला भी नहीं जा रहा हूँ, तकलीफ भी उसकी अलग ही उरेंज सी है। ब्लॉग यहीं पर ही मैं करता हूँ एंड, लाइक सब्सक्राइब आप ज़रूर कर दिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब।